ओके गाइस, सो हियर वी हैव अनदर लेक्चर। आज केमिकल बॉन्डिंग भी फॉलो कर रहे हैं। आज हम जो है 6.3 को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। आज के लेक्चर में आई विल लेट यू नो के व्हाट द हेल आयनाइजेशन एनर्जी इज, राइट? सो आई डोंट जस्ट नीड टू यूज दिस वर्ड, बट द पीपल यू नो इट्स बीइंग समहाउ कंफ्यूज अबाउट दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग दिस वर्ड। एंड आई गोना टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, and I'm going to talk about electronegativity. And there are some factors which really influence ionization energy is something like atomic radius, you know, its atomic number, the shielding effect, and the nature of orbital, right? So if we just think about ionization energy, ionization mean ion ka banna, right? Ionization mean ion ka banna. Let's say that हमेशा याद रखिएगा कि आयनाइजेशन जो है इट्स बीइंग कंसर्न्ड विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन का लफ्ज जब भी आएगा तो यू मस्ट रिमेम्बर वन थिंग इन योर माइंड कि हमेशा कैटायन बनेगा, राइट? क्या बनेगा? कैटायन। कैटायन इज समथिंग लाइक द पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, यू नो। तो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट्स से दैट सोडियम, राइट? सोडियम इट्स द 11th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट हैज दैट 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैज द मास ऑफ 23। एंड इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दिस एटम, इट कंटेन थ्री शेल्स। थ्री शेल्स की अगर हम बात करें तो दैट इज द फर्स्ट शेल, दैट द सेकेंड वन, एंड देन द थर्ड वन, राइट? So we just think about electrons, it contains 2 electrons in the first, 8 electrons in the second, and 1 electron in the last. If we define ionization energy, it's something like the amount of energy which is required to take out electron from the outermost shell of an atom in an isolated gaseous atom. अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने पता नहीं कौन सी डेफिनेशन सुना दी है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसको हमारा टारगेट है बाहर निकालना है। अगर देखें ये मार्कर है, इफ़ आई प्लेस इट ओवर हियर, राइट? तो अगर मैं इसको उठाऊंगा तो डेफिनेटली एनर्जी लगी है। इसको मैंने यहाँ से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा ऊपर किया है तो उसमें जो है वो थोड़ी सी एनर्जी लगी है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, राइट? अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो डोंट यू थिंक इसमें एनर्जी लगेगी? यस, द आंसर इज यस। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इट मीन्स दैट अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एंथैल्पी इज पॉजिटिव, राइट? द एंथैल्पी इज पॉजिटिव। So, oops, let me just hang this thing. It's being out. If you don't mind, guys. Okay, so the enthalpy is positive. And there is electron, right? We're gonna take it out. Okay, fine. So, if we just need to take this electron out, we need 496 kilojoule of energies per mole. I'm talking about mole, right? Ek mole सोडियम एटम्स में से, उनके आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 496 किलो जाउल एनर्जी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर शेल में से बाहर निकालना, और जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे डेफिनेटली द सोडियम विल बिकम अ कैटायन, राइट? सोडियम विल बिकम अ कैटायन, यानी वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। सो दैट इज द वे यू गोना डू इट। एंड इलेक्ट्रॉन निकलने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ये भी शायद आप याद रखनी चाहिए आपको ये बात। तो इलेक्ट्रॉन जो है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आयन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, विच इज 496 किलो जाउल पर मोल फॉर सोडियम एटम, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेट्स से मैग्नीशियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेट्स से कैल्शियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेट्स से एल्यूमिनियम जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नाउ? आई विल जस्ट टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। लेट मी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, राइट? आई रियली होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज 1 2 इलेक्ट्रॉन, there is 8 electron, how many 10? There are 3 electron. Can you guess the atom? Yes, it's aluminium, right? And there are 13 electrons in the aluminium atom, right? And what do you think now? Agar aap electron nikalenge, definitely agar ye mere paas 2 pen hai, let's make it 3. Agar mere paas 3 pen hai, what do you think? Agar maine ye pen uthane hai to main teenon gadde uthaunga,
डिपेंड्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फिर डेफिनेटली पहले पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा. तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, लेट मी मेक इट कलरफुल, 1 2 3, राइट, आओ गोना टेक रेड वन आउट, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है. एल्यूमिनियम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज 1 हो गया, ठीक है. और अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो गोना से इट आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, एल्यूमिनियम क्या हो गया, पॉजिटिवली 2 चार्ज हो गया, ठीक होगी बात. उसके बाद अगर हम आगे देखें, अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर कितनी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हैं आप इस पे, और एल्यूमिनियम और पॉजिटिवली 3. अगर आप कहेंगे और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही से निकालेंगे. चलिए मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन करता हूँ इसमें. जब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो उसका साइज ये था, लेट्स से दैट दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल, 3 इलेक्ट्रॉन जब इसमें थे, राइट. लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट, यहां पर कुछ इसका फासला कम होगा. अब आप एक मुझे चीज का जवाब दें, अब यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे इसके अंदर, राइट, यानी ये 3 शेल्स 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ थोड़ा शेल बड़ा था और 2 इलेक्ट्रॉन का शेल थोड़ा श्रिंक हो गया, न्यूक्लियस के करीब आ गया, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, न्यूक्लियस ने होल्ड ज्यादा कर लिया. अब ये बताएं क्या अब एक और इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दैट के मैंने आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 गई, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए एनर्जी निकली एक्स, लेट्स से दैट एक्स किलो जूल्स व्हाटएवर. और अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें से, तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें भी क्या सेम एनर्जी यानी एक्स एनर्जी ही चाहिए होगी, क्या सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? द आंसर इज नो. जब आप ये निकालेंगे तो I2 की वैल्यू सेम नहीं होगी, यू ना से इट एज अ y किलो जॉल, यानी कि कुछ एनर्जीज में फ़र्क आएगा. यानी अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था उसमें आपको एनर्जी कम लगी होगी यकीनन, क्योंकि जितना न्यूक्लियस से फासला होता है ना, जितना न्यूक्लियस से फासला होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा. जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 2 रह गए और दोनों इलेक्ट्रॉन से करीब आ गए. अब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि साइज छोटा हो गया. उसके बाद अगर इफ यू जस्ट से दैट, अब साइज फिर छोटा हो जाएगा मजीद, यानी साइज यहाँ पर नहीं रहेगा. एंड नाउ यू गोना डू इट इन दिस वे, राइट. तो इलेक्ट्रॉन जो है अब वो थोड़ा और निकल के करीब हो जाएगा. तो अगर आप I3 लगाएंगे तो I3 की वैल्यू आएगी z किलो जूल. ये एक्स वाई जी को आप इतना टेंशन के साथ नहीं, आपने देखना है ये वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यूज हैं. मैं आपको किसी भी एटम की ये बात कर रहा हूँ. फिलहाल हमने इसको फोकस किया हुआ एल्यूमिनियम को. अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको जो एनर्जी लगेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी. यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 है वो लेस होती है किससे, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर टू से, और आयनाइजेशन नंबर 2 लेस होती है किससे, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 से. यानी आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 सबसे कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है दैट इज द बिगेस्ट वन, सबसे ज्यादा होती है. सो अब क्या हमें यहाँ से फिगर आउट किया है कि आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 वैल्यू सबसे कम होती है, यानी इसमें आपको सबसे कम एनर्जी लगानी पड़ती है. आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा, आयनाइजेशन 3 जो है वो सबसे ज्यादा होती है. सो एल्यूमिनियम ने अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सो दैट्स हाउ एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा, राइट. एल्यूमिनियम विल बिकम एल्यूमिनियम आयन. सो दैट द स्टोरी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, अब थोड़ी सी आई विल जस्ट टॉक अबाउट द ट्रेंड, राइट. इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द ट्रेंड, अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड में हम क्या बात कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू अबाउट द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में यू नो ग्रुप्स हैं, ठीक है. वी गॉट हाउ मेनी ग्रुप्स, कैन यू गेस? यस, 18 ग्रुप्स. एंड पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियड्स हैं. सो हाउ मेनी पीरियड्स, यस 7. तो अगर हम अब ग्रुप और पीरियड में बात करना चाहें एटॉमिक सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर, लेट्स मेक अ रफ स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट. सो दैट्स द रफ स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट. सो दैट्स द रफ स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो हियर वी हैव द पीरियोडिक टेबल विद 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, राइट. नाउ लेट इज ट्रेंड की बात कर लेते हैं. ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड क्या होगा, ओके, लेट्स गेस इट आउट. आयनाइजेशन एनर्जी हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट. अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज बड़े से छोटा हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है. अब आप खुद सोचें, अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है सबका, मैं न्यूक्लियस रेड पॉइंट से बना रहा हूँ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. लुक एट दैट,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट डू यू गेस? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसको निकालना आसान है, इसको निकालना आसान है, इसको निकालना आसान है. सबसे आसान इलेक्ट्रॉन कौन सा निकाला जा सकता है? यस, द आंसर इज फॉर दिस, राइट? लेट्स से जस्ट से दैट द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, लेट्स से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, चीजें मैंने बनाया नहीं है. सो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? द आंसर इज पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है. जैसे एक टीचर क्लास को पढ़ा रहा होता है, जो सबसे आखिर वाले बेंच के स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर का उन स्टूडेंट्स पे होल्ड कम होता है. इस तरह ही कह लें आप कि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, उसका होल्ड कम हो जाएगा. ठीक है, तो मैं भी फैक्टर्स को भी बीच में आपके डिस्कस कर देता हूँ इस बात को लेकर. तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे होल थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, इसको लेट थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए वैसे हमें. ठीक है, और इसमें होल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा. सो यू कैन से दैट कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू जो है वो क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं. यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है. डिक्रीज का क्या मतलब है? कि यानी आपको छोटे यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लग रही है, यहाँ पर एनर्जी कम लग रही है. यानी ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं. तो ज़्यादा से कम की तरफ आना क्या होता है? ज़्यादा से कम की तरफ आना क्या होता है? डिक्रीज होता है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यानी ये बड़ा एटम है और ये क्या है? छोटा एटम है. अब मुझे आप खुद बताएं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? तो डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. लिहाजा अब देखें, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो एनर्जी क्या लग रही है? कम लग रही है, क्योंकि कम एनर्जी के साथ ही आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे. और यहाँ पर एनर्जी क्या लग रही है? ज़्यादा लग रही है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा लगी. अब कब क्या हो रहा है? यहाँ पे कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, यानी फ्रॉम अ स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं. तो यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. यानी पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. सो दैट्स द ट्रेंड, राइट? दैट्स द ट्रेंड. अब एक और क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग दिस ट्रेंड. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की. क्या ख्याल है? एटॉमिक रेडियस, डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी. एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो आयन बनाने के लिए एनर्जी जो है वो क्या लगेगी? कम लगेगी. एटॉमिक नंबर देखा जाए, एटॉमिक नंबर में अगर हम ग्रुप में बात करने की बजाय पीरियड में कर लेते हैं, कन्वीनियंट होगा. एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है? 3 है. मैं दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ. और यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर? 10 है, लेट्स से 9 है. तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. एटॉमिक नंबर, अब शेल सेम ही है. अब देखें, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एनर्जी क्या लग रही है? ज़्यादा लग रही है. और यहाँ पर एनर्जी क्या लग रही है? कम लग रही है. आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है. क्यों कम लग रही है? क्योंकि यहाँ पे एटम का साइज जो है कम एटॉमिक नंबर होने से बड़ा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है. यानी एटॉमिक नंबर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा सेम पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा. यानी पीरियड में इंक्रीज हो रही है ये वैल्यूज़. और अगर आप यही एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं ग्रुप में, तो आपको पता है कि शेल नंबर भी इंक्रीज हो रहे होते हैं. शेल नंबर देखें ना, यहाँ पर 1 है पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में 2 शेल होंगे, तीसरे पीरियड में 3 शेल होंगे, चौथे पीरियड में 4 शेल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं. तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से यू कैन से दैट कि ये ट्रेंड जो है फॉलो अप नहीं किया जाता इन द ग्रुप. इसको एटॉमिक नंबर को फैक्टर आप पीरियड में ही बना सकते हैं. इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात कर लें, शील्डिंग इफेक्ट पहले क्या होता है स्टूडेंट को थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट चले गए और उस मार्केट में बहुत रश है, लेट्स से एतवार बाजार चले गए आप, तो यू नो दैट आप ठेले वाले के पास जाना चाह रहे हैं, ठेले वाला सस्ता सामान बेच रहा है, और आप अब उस ठेले वाले के पास अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से अफराद आए हुए हैं. यानी वो अफराद आपको और ठेले वाले को शील्ड कर रहे हैं, यानी रोक रहे हैं. ठीक है, इस तरह फॉर एग्जाम्पल, वैसे काफ़ी अजीब सी एग्जाम्पल थी. सो अगर हम देखें, हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसमें इनर शेल्स हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत से क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स में, और आउटर शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है. अब क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो है ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में दुश्वारी होगी, प्रॉब्लम होगी इसको. क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि यू कैन से दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके होल्ड को क्या करेंगे? शील्ड करेंगे. यू नो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट कर देंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि इनका फासला ज़्यादा है, रास्ते में शेल्स भी आ रहे हैं, रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स. यानी कहने का मकसद ये है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी से क्या कंसर्न है. कहने का मकसद ये है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी
ज़्यादा होगी. ये दोनों एक अलग अलग फैक्टर्स हैं. उसके बाद है नेचर ऑफ ऑर्बिटल. नेचर ऑफ ऑर्बिटल से मुराद ये है कि जैसे आपने पढ़ा कि स्फेरिकल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा स्फेरिकल ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने पढ़ा डम्बेल ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, एस ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, आपने पढ़ा जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव अ रियली स्पेसिफिक शेप, यू नो, ठीक है, और इस तरह ही एफ ऑर्बिटल्स की तो शेप ही बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. तो व्हाट द साइंटिस्ट आर थिंकिंग ओवर हियर इज दैट कि इफ़ यू हैव एस ऑर्बिटल तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान होता है, इफ़ यू हैव पी ऑर्बिटल तो फिर एस ऑर्बिटल से थोड़ा सा टफ हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालना पी ऑर्बिटल्स में से, और अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो उसमें से. लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आउटर शेल ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है, आउटर शेल अगर ऑर्बिटल डी है तो फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डी में से निकलेगा, आउटर शेल ऑर्बिटल अगर पी है तो इलेक्ट्रॉन पी में से निकलेगा. अब डी और पी में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि डी में से, तो डेफिनेटली पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है थोड़ा सा. पी ऑर्बिटल्स की कुछ शेप ऐसी भी है कि उनमें से समटाइम्स इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है. अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, कि पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स हैं, और यूजुअली पी ब्लॉक का मतलब ये है कि सबके ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल हैं वो पी हैं, और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है. ये एम्बिग्यूटी भी समटाइम आ जाती है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स ज़्यादातर मेटल्स के होते हैं, राइट, और इस तरह ही एस ऑर्बिटल हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है. क्यों? क्योंकि आप एस ब्लॉक में देखें अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान हो जाता है. एफ ब्लॉक्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं लेकिन वो भी मेटल के तौर पर बिहेव करते हैं, सो दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन लूजर्स, तो एफ में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना एस मच इतना टफ नहीं है, कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं. लिहाजा आप कह सकते हैं अगर हम प्रोटेबल की तरफ देखें तो पी ऑर्बिटल आर दो ऑर्बिटल जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ काम है, राइट. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन negativity, and we're gonna talk it in another lecture. Thank you so much. That's it.